नमस्कार, खबर समय चौकत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भोपाल नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा कि ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश लगातार तरक्की कर रहा है। आज के समय प्रदेश में 7000 मेगावाट से ज्यादा बिजली मध्य प्रदेश में ग्रीन ऊर्जा के माध्यम से बनाई जा रही है। मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा कि ओमकारेश्वर में बन रहा सोलर प्लांट एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया के गिने चुने प्लांटों में एक है, जिसमें पहले चरण का काम पूरा हो चुका है और उसमें बिजली का उत्पादन भी शुरू हो चुका है। मंत्री ने खाद की कमी को लेकर कहा कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल भगवान ओंकारेश्वर जी के दर्शन करने के बाद माँ नर्मदा के दर्शन किए और उसके बाद जो हमारा फ्लोटिंग का सोलर प्लांट है उसको देखने गए। वहाँ जाके अभी प्रथम चरण में 278 मेगावाट का काम पूरा हो चुका है और बिजली वहाँ से सप्लाई होने लगी है। वहाँ पर 530 मेगावाट का लक्ष्य है जिस पर काम जारी है। हमारे लिए खुशी की बात यह है, मध्य प्रदेश के लिए, हम सब के लिए, कि वो प्लांट पूर्ण स्वदेशी है और उसका पूरी मैन्युफैक्चरिंग जो हुई है वो इंदौर में हुई। इंदौर से सारा मैन्युफैक्चर होके वहाँ पर काम चल रहा है। विश्व के बड़े प्रोजेक्टों में से एक है और एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपना है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं कि 50% ग्रीन एनर्जी से, अच्छे ऊर्जा से, किसी तरीके से बिजली का हिस्सा बने इस क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। कल देखने के बाद मेरा प्रयास होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की भी विजिट कराएं और मुझे लगता है कि शायद आज ही हम निवेदन करने जाएंगे। मैं तो आप लोगों से भी कहूंगा कि एक बार आप लोग भी जाएं और हम आपको वहां पर भिजवाने की व्यवस्था भी करेंगे। कहीं ना कहीं ये मध्य प्रदेश का बड़ा सौभाग्य है कि अपन स्वदेशी भी है और उसके बाद ऐसा प्रोजेक्ट कि माँ नर्मदा की गोद में इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट अपन सोच भी नहीं सकते, अपना अजूबा कह सकते हैं उसको, कि सातवां अजूबा है वो। और इस क्षेत्र में और आगे बढ़ने के लिए हमने इंदिरा सागर बांध पे, अन्य बिरसिंहपुर में भी नगर निगम के माध्यम से हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। और मेरा प्रयास ये होगा कि जमीन इसमें बहुत लगती है, करीबन मेरा 1 मेगावाट पे 2 हेक्टेयर जमीन लगती है। कब तक जमीन का उपयोग होगा? जब हमको आगे जाना है तो कहीं ना कहीं सोलर को फ्लोटिंग की तरफ ले जाके, एक तो पानी का वाष्पीकरण रुकता है, आपके किसी का जमीन की किसी का पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं है। तो हम लोग इस सरकार फ्लोटिंग की साइड कि पानी पर जहाँ जहाँ हमारे पास जल संरक्षण है, जहाँ जहाँ हम लगा सकते हैं, वहाँ वहाँ हम आगे बढ़ने। मुझे लगता है इसके बारे में अभी बोलना ठीक नहीं है, बोलने की आदत भी नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत जल्दी इस काम में आगे बढ़ रही है।
और आपके आपको इसके परिणाम दिखेंगे भी। हमने कई जगह सोलर पार्क पार्क के नाम पे भी ज़मीन देखी है, जिसमें मुरैना है, आपका अशोक नगर है, आगर है, शाहजहाँपुर है, आपके धार है, ऐसे कई ज़िलों में वहाँ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अच्छे ऊर्जा के क्षेत्र में हम मध्य प्रदेश कैसे अग्री अग्री बने, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सर, आपसे एंडल सिंह कंसाना जी मांग रहे हैं कि यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से जो खाद है वो नहीं आ पा रहा है, करीबन 15 से 20 दिन लेट आ रहा है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।